हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हलवा जो बनेगा गुड़ से, और वो भी हमारे पंजाब का अमृतसर स्पेशल, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से वहाँ मिलता है। और आज हम बनाएंगे उसे अपनी ही किचन में। कैसे बनेगा ये गुड़ हलवा, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको, जिसको फॉलो करके आप एक बहुत टेस्टी अमृतसरी स्टाइल का गुड़ हलवा घर में बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बट उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़ हलवा। एक पैन लिया है मैंने, और एक कटोरी मेजर कर लीजिए, आपके घर में जो नॉर्मल कटोरी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसी कटोरी से मेजर करके ले रही हूँ 5 कटोरी पानी। इस हलवे में मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल हलवे में हम 3 से 4 कटोरी पानी डालते हैं, इसमें डलेगा 5 कटोरी पानी, और सारा जो मेजरमेंट है वो इसी कटोरी से। पानी जैसे ही बॉयल हो जाए तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये गुड़। सेम कटोरी से मैंने गुड़ मेजर करा है और उसे इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इसे हम बॉयल आने देंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब गुड़ को इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो बहुत जल्दी इजीली मेल्ट हो जाएगा। देखिए, गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो चुका है, और इसमें डाल रही हूँ अब मैं क्रश्ड इलायची। बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है इलायची का इसमें, तो वो भी हम इस सिरप में ही ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो हलवे में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। देखिए, हलवे के लिए गुड़ का सिरप तैयार हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें हमारे हलवे में नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने कोई एक तार की चाशनी ऐसा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ मेल्ट करना है अच्छे से, और उसे इस तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए, अब इसे हम अलग से साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पैन में मैं ले रही हूँ देसी घी। टोटल हलवा बनाने के लगेगा 1 कप देसी घी, और उसमें से आधा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेम कटोरी से ही मेजर करके 1 कप सूजी। यहाँ पर सूजी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसे रोस्ट करना है, पकाना है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से लगातार चलाते हुए देखिए सूजी अब फूल चुकी है, इट मीन्स ये कुक हो गई है, रोस्ट हो गई है। अब इसमें हम गुड़ का सिरप डाल देंगे। फ्लेम मेरी अभी भी लो ही है। ये देखिए, गुड़ का सिरप हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम लगातार चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स नहीं आए इसमें, तो और एक अच्छा सा एक ना हलवे का बैटर तैयार होता है। कलर देखने कितना बढ़िया आ रहा है ना गुड़ का, क्योंकि गुड़ आपका जिस कलर का है हलवा बेसिकली उसी कलर में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब अमृतसर में जब भी खाएंगे ना गुड़ हलवा, वो हमेशा आपको लाल रंग में मिलेगा, वो ज़रूर डालते हैं, इसलिए मैं भी डालती हूँ, बट ये टोटली ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ लुक अच्छी लगेगी इसकी। ये देखिए, अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है सूजी की, गुड़ की। ओहो, अब जो बाकी आधा कप देसी घी था वो डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम अमृतसरी स्टाइल बना रहे हैं ना, तो ये जो ऊपर आएगी ना देसी घी की परत, ये बहुत मेन रोल प्ले करती है इस गुड़ हलवा में। आप वहाँ पे जाएंगे ना, मैंने तो अभी बहुत कंजूसी से डाला है, वहाँ पर ना आपको देसी घी की अलग ही परत दिखेगी, जो इसे और टेम्पटिंग और डिलिशियस बना देगी। देखिए, वो अच्छे से ऊपर देख रहे हैं ना, शाइनिंग कितनी मज़ेदार आ रही है। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, नहीं भी करना है तब भी चलेगा, क्योंकि गुड़ ने जो इसे स्वाद दे दिया है ना, वो बाकी हर तरह के हलवे से बिल्कुल अलग है। और सबसे ऊपर है ये हलवा, क्योंकि ये इतना टेस्टी है, और हेल्दी तो है ही, क्योंकि हम इसे गुड़ से बना रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुड़ हलवा कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।